तो इस क्वेश्चन में जैसा कि बोला गया है द वॉटर बल्ब लॉस्ट, तो इसमें कैसे होता है कि जैसे पहले सॉल्वेंट में से किया तो वेट लॉस सॉल्वेंट वाले में तो प्रोपोर्शनल टू पीए होता है। अब जो है वाटर बल्ब वाला जो है आपको अपन इसको जैसे समझे कि इस सीक्वेंस में से ये पास किया जा रहा है ड्राई एयर को, ये कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ड्राई एयर बल्ब वन में से पास हुई, फर्स्ट में अपना सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? वॉलेटाइल सॉल्वेंट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। सेकेंड में जैसे केवल सॉल्वेंट है, वॉटर ही है, जैसा क्वेश्चन में भी यही सीक्वेंस किया है। और फिर फाइनली ये इस ट्यूब में जिसमें जो भी वेपर्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो ऐसे ये ड्राई एयर को पास किया जा रहा है। ये कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट इसमें है। तो वेट लॉस इन फर्स्ट बल्ब जो है वो प्रोपोर्शनल होगा पीए के। क्यों प्रोपोर्शनल पीए के होगा? जैसे पीवी इक्वल टू एनआरटी, पी प्रोपोर्शनल टू मोल्स, प्रोपोर्शनल टू मास। तो ड्राई एयर की प्रॉपर्टी होती है जो वहां पे वेपर्स होंगी उससे वो सैचुरेट होगी। तो ऐसे अब सॉल्वेंट वाले में क्या है, वैसे केवल सॉल्वेंट ही होता, ये नहीं होता, तब तो पी नॉट ए प्योर स्टेट वेपर प्रेशर होता। लेकिन सपोज करो 10 अमाउंट है, उसमें से 3 अमाउंट से ऑलरेडी ये सैचुरेट होके आ रही है, तो अब यहां पे वेट लॉस जो होगा वो क्या होगा, 10 माइनस 3, यानी ये पी नॉट 10 है और ये मेरा 3 अमाउंट से वैसे ही सैचुरेट होके आ रही है, तो इसलिए इसको ऐसे करेंगे। इसमें वेट गेन होगा तो दोनों को जोड़ दीजिए, वो वेट गेन क्या होगा, पी नॉट ए। तो इन फॉर्मूलों को यूज कर लीजिए। तो इस हिसाब से अपने को पी नॉट ए माइनस पी ए क्वेश्चन में पता है, डिवाइडेड बाय पी ए इज इक्वल टू एन बी ओवर एन ए, है ना। ये समझिए यहां पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए नहीं लिया है, है ना, तब तो यहां एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी होता, उसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म ऐसे लिया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 0.087 है। अच्छा अब ये पी ए अपने को देखना है, तो मेरे को अगर ये पता है थर्ड में से मैं सेकंड सब्सट्रैक्ट करूंगा तो पी नॉट ए माइनस पी ए है ना, तो ये थर्ड माइनस सेकंड कर दीजिए तो ये पी ए आ गया। डब्ल्यू बी ओवर एम बी पूछा क्या है, मॉलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट, तो 40 डिवाइडेड बाय ये इसका मोलर मास यहां से निकलेगा। वाटर के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, मोल्स के लिए 360 ओवर 18। तो यहां मोलर मास ध्यान से देखिए, समझिए, इसको फाइंड करना है, दिस विल गिव अस द आंसर।